Good morning everyone. Welcome here, for है 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 पर स्वागत आप सभी सभी का। का बच्चों बच्चों। थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन जल्दी से सभी लोग से लोग जुड़ जाएं। गीत यादव, आज का जो आपका सेशन होगा उसमें करंट के, के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है यानी जो करेंट रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो सेशन आपका ये प्रैक्टिस का चल रहा है इसमें आपको तीन तरह के क्वेश्चंस बच्चों मिलेंगे एक तो आपके पीवाई क्यू जी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं साथ साथ उस टॉपिक से कितने नए क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और इसके साथ बच्चों आपका एक सेक्शन होगा जो करंट से रिलेटेड आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे तो आज हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो आपके करंट रिलेटेड हैं यानी उसमें एंसियंट मेडिकल और मॉडर्न तीनों के क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेंगे ठीक है तो मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम है आप सभी का बच्चों जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाए क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है क्लास आपके बच्चों स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं डॉक्टर संजय सर इतिहास विषय से बच्चों ने जा रहा है पी एच डी हूं यूपीएससी एस्पुर यूपीएससी क्वालिफाई भी किया है और इंटरव्यू फेस किया बच्चों कई बार मेन हमने रिटर्न किया है तो चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है क्लास ऑलरेडी डिले हो चुकी है और देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है सुगम्य भारत अभियान के संदर्भ में विचार करना आपको ठीक है सुगम्य भारत अभियान के संदर्भ में आपको विचार करना है कि यह एक विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है यह एक देशव्यापी अभियान है ठीक है यह क्या है एक देशव्यापी अभियान है दूसरा कह रहा है कि यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है ठीक है भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर बच्चों क्या किया है हस्ताक्षर किया है अब आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका रखा गया है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है ये उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये आपके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक और करंट से जुड़ा हुआ है बहुत सारे बच्चे ये जज नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री में कैसे ये तो करंट का क्वेश्चन है ठीक है ये हिस्ट्री और करंट दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बच्चों चलिए आंसर करिए क्या आंसर होना चाहिए इसका एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें बाकी बच्चे भी क्लास से जुड़ जाएं देखिए यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कह रहा है कि यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कौन से मंत्रालय द्वारा बच्चों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बच्चों यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपॉवरमेंट यानी इस मिनिस्ट्री के द्वारा बच्चों इसे स्टार्ट किया गया है ठीक तो ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है भाई स्टार्ट स्टार्ट किस लिए किया गया है? ये किया गया गया है बच्चों दिव्यांग बच्चों के लिए ठीक है जो बालक दिव्यांग है उनके लिए सभी आधारभूत संसाधनों और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है और भारत जो है दिव्यांग व्यक्तियों के राइट को प्रोवाइड करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उस पर बच्चों इसने क्या किया हस्ताक्षर किया है और यह योजना जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की धारा नौ धारा नाइन के अंतर्गत बच्चों जो प्रावधान किए गए हैं उसी को पूरा करने के लिए इसे क्या किया गया है प्रारंभ किया गया अब आपको बता दें बच्चों की कहा जाता है कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सुगम्य भारत ऐप बनाया गया है सुगम्य भारत ऐप अब सुगम्य भारत ऐप जो बनाया गया है इस ऐप का उपयोग आप में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है मान लीजिए आप किसी विद्यालय के नजदीक हैं या कोई विद्यालय है और उस विद्यालय में बच्चों उस तरह की सुविधाएं और संसाधन नहीं है जो दिव्यांगों के लिए उपयोग होनी चाहिए चाहे वो स्टेयर सीढ़ी हो गई चाहे वो टॉयलेट उस तरह का हो गया ठीक है अगर वहां पर दिव्यांगों के लिए उपयुक्त तो संसाधनों का अभाव है तो आप इस ऐप पे उस बिल्डिंग के संदर्भ में सूचना बच्चों दे सकते हैं ठीक है और जैसे ही आप सूचना देंगे मंत्रालय से जुड़ा हुआ जो भी विभाग होगा वो तुरंत जो है इस तरह की सुविधाओं को क्या करेगा उपलब्ध कराएगा ठीक है तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो यानी सुगम्य भारत अभियान जो है बच्चों ये दिव्यांग जनों से जुड़ा हुआ अभियान है और दिव्यांग जनों को सभी तरह की सुविधाओं और संसाधनों को उपलब्ध करा के उनकी सार्वभौमिक पहुंच को क्या करना सुनिश्चित करना और इसे पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया गया है क्या कह रहा है इसे पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया गया बच्चों यहाँ पे एक स्टेटमेंट देशव्यापी अभियान है ये तो ये पूरे भारत में लागू किया गया है तो यहां दोनों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे यानी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यानी बोथ यानी आंसर आपका इसमें राइट होगा ठीक है आंसर आंसर बच्चों इसमें राइट हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिरसा मुंडा एंड मुंडा रिवेलियंस ठीक है तो मुंडा रिवेलियंस और बिरसा मुंडा दोनों में क्या रिलेशन है उसके संदर्भ में दिया हुआ क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के संबंध में आपको यहां विचार करना है पहला स्टेटमेंट दे रहा उन्होंने बिरसायत धर्म की शुरुआत की जिसमें मुंडा और उराव समुदाय शामिल हो गए दूसरा उलगुलुहान आंदोलन का उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना था तीसरा स्टेटमेंट दे रहा बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए झारखंड राज्य को बिहार से अलग करके बनाया गया था यानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया अब आपको पता है कि भाई एक समय था बच्चों की आपके झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीन नए राज्यों की क्या की गई थी स्थापना की गई थी तीन नए राज्यों की बच्चों स्थापना की गई थी तो इसमें क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए चलिए क्या राइट आंसर होगा बच्चों जल्दी से सभी लोग आंसर करिए क्या इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा के विषय में बच्चों आपको पता होगा बिरसा मुंडा कौन था भाई बिरसा मुंडा आपके कहां के थे आपको पता बच्चों मुंडा जनजात ये आपके मुंडा जो जनजाति है ये मुंडा जनजाति आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ में बच्चों ये पाई जाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ झारखंड और छत्तीसगढ़ बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है इनका जो विद्रोह इनको ठाकुर जी भी कहा जाता है बच्चों ये विद्रोह 1901 में इन्होंने किया था बिरसा मुंडा यानी मुंडा विद्रोह ठीक कहा जाता है बिरसा मुंडा को एक टाइटल दी गई थी वो टाइटल क्या थी उलगुलुहान उलगुलुहान बच्चों टाइटल दी गई थी और बिरसा ने धर्म का उपयोग करके अपनी मुंडा जनजातियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बच्चों क्या किया खड़ा किया यानी बिरसा ने यहां पर ऐसा क्यों किया तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि जो जनजाति समाज था बच्चों हिंदुस्तान का मुगल काल या पूरे एंशियंट काल में कभी भी राजाओं ने या भारतीय तंत्र या प्रशासन ने कभी उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया था लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारत आई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया इनके लैंड को भी राजस्व के अंतर्गत ला दिया इनको भी टैक्स देने के लिए बच्चों प्रेशराइज किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जिन जंगलों की लकड़ियों और वनों के संसाधनों का उपयोग ये फ्री ऑफ कास्ट करते थे उन पे क्या किया गया टैक्स लगा दिया गया ठीक है उन पे बच्चों टैक्स लगा दिए गए अब जो चीज ये लंबे समय से फ्री ऑफ कास्ट यूज करते चले आए थे अब उस पर एकाएक जमीन को प्रतिबंधित किया गया इनको टैक्स के दायरे में लाया गया तो इनको लगा कि ये तो हमारे अधिकारों का क्या है उल्लंघन है तब जाके इन जनजातियों ने बच्चों विद्रोह करना शुरू किया और उसमें आपकी मुंडा जनजात जो आपके वर्तमान बिहार और झारखंड क्षेत्र में बच्चों रहती है इसने विद्रोह किया किसके नेतृत्व में बिरसा के नेतृत्व में विद्रोह किया बच्चों बिरसा के नेतृत्व में अब यहां पे आपको कहना कह रहा है कि बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है तो इसमें सही स्टेटमेंट बच्चों कौन है राइट right स्टेटमेंट का आपको चुनाव करना है तो इसमें राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा बताएं जल्दी करें बोलिए बच्चों कहते हैं कि आज भी यहां पर बच्चों सुखराम मरजो सुखराम मरजो और एक नाम आता है बच्चों धर्ममाता मंगरी इन दोनों के द्वारा बच्चों आज भी बिरसा को एक देवता के रूप में पूजा जाता है आज भी इस क्षेत्र में बिरसा को लोग बच्चो बच्चों क्या करते हैं पूजते हैं ठीक है तो यहां पर राइट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए यहां पे देखिए पहला क्या करा उन्होंने बिरसायत धर्म की शुरुआत की जिसमें मुंडा और उराय समुदाय शामिल हो गए नहीं उराय समुदाय बच्चों इसमें शामिल नहीं था ठीक है केवल मुंडा समुदाय इसमें शामिल था तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट क्या होगा गलत हो जाएगा दूसरा उलगुलुहान आंदोलन का उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना था मुंडा राज की स्थापना करना नहीं था बच्चों बल्कि अपने अधिकारों से या अपने ब्रिटिश सत्ता का जो वहां पे दबाव था बच्चों उससे क्या होना था मुक्त होना था मुंडा राज की स्थापना करना इनका मकसद नहीं था ठीक है उलगुलुहान आंदोलन ये उलगुलुहान क्या है ये टाइटल है किसकी बिरसा मुंडा की ये टाइटल है को जयंती मनाने के लिए झारखंड राज्य को बिहार से अलग करके बनाया गया कह रहा कि बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए झारखंड राज्य को बिहार से अलग करके बनाया गया अब यहां पे जो कह रहा है था, ये थर्ड स्टेटमेंट बच्चों ये भी आपका देखिए आपके झारखंड राज्य को अलग करने के पीछे बच्चों कई मकसद था झारखंड राज्य को अलग करने के पीछे कई मकसद था लेकिन उसमें से एक बच्चों ये भी शामिल है उसमें से एक ये भी शामिल है तो सी को यहां पे आप राइट मान सकते हैं यानी तीन आपका बच्चों यहां पे राइट हो जाएगा ठीक है तीन आपका राइट हो जाएगा अब देखिए यहां पे बच्चों अभी अगला है ऑपरेशन ब्लू स्टार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऑपरेशन ब्लू स्टार ये भी बच्चों चर्चा में है करंट में इस समय वर्तमान में ठीक है बोलिए इसका क्या राइट आंसर होगा कर ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा जून 1984 को अमृतसर पंजाब में जो हरमिंदर साहब यानी जो स्वर्ण मंदिर है बच्चों उसमें चलाया गया था और ये ऑपरेशन खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारा वाले और उनके समर्थकों से स्वर्ण मंदिर परिसर को मुक्त कराने हेतु चलाया गया था अब इसमें कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट राइट है यानी पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च बाई द इंडियन आर्मी इन जून 1984 इन हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बच्चों इसे चलाया गया दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू फ्री द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम प्रो खालिस्तान जनरल सिंह ठीक है भिंडारा वाले तो दोनों स्टेटमेंट्स बच्चों क्या राइट होना चाहिए आपको पता है इस समय आपकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी इस समय प्राइम मिनिस्टर बच्चों कौन थे इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी को कहीं न कहीं बच्चों आपके इस चीज का परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा था इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने ही बच्चों गोली मारा था और वो अंगरक्षक कौन थे पंजाबी थे ठीक है तो खालिस्तान की डिमांड जो है आज भी आप देखिए वर्तमान गवर्नमेंट भी अपने विरोधियों को या अपने कुछ इस तरह के क्रिटिसाइजर को जो है खालिस्तानी नाम दे देती है ठीक है तो खालिस्तानी या खालिस्तान की जो डिमांड थी बच्चों वो कहीं ना कहीं आज भी नकारात्मक तरीके से भारतीय राजनीति में ली जाती है तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार ये ब्रिटिश ये भारतीय सेना द्वारा बच्चों ये चलाया गया था आपके पंजाब के स्वर्ण मंदिर में और स्वर्ण मंदिर में बच्चों जो ये चलाया गया वो चलाया किस लिए गया था इसको जो है किससे मुक्त करने के लिए जनरल सिंह भिंडारा वाले ठीक है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बच्चों अपनी जगह पे सही है यहां पे दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे राइट है आनंद सिंह विजय राव वेलकम है स्वागत है बच्चों आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है बच्चों वेलकम है एक बार सभी लोग बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अब प्रश्न ये है कि भाई ये क्वेश्चन आपका वर्तमान में यह चर्चा में क्यों रहा वर्तमान में ये चर्चा में क्यों रहा? रहा तो कहा जाता है कि जिस समय यहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था तो ब्लू स्टार चलाने के समय बच्चों इस मंदिर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इकट्ठा किए गए थे ठीक तो इन इनकार कर दिया ठीक है जिसकी वजह से ये टॉपिक आपका चर्चा में आया था यानी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत बच्चों आपके इस स्वर्ण मंदिर पर अभियान चलाया गया तो उस समय जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट किए गए थे जिसको अभी सूचना के अधिकार के तहत जब डिमांड किया गया तो आपके इन डॉक्यूमेंट को देने से क्या कर दिया गया बच्चों मना कर दिया गया ठीक है इन डॉक्यूमेंट को देने से इनकार कर दिया गया ठीक तो इसलिए बच्चों आपके चर्चा में रहा और यहां पर बोथ आंसर आपके राइट हो जाएंगे बोथ आपके राइट आंसर होंगे ठीक है अगला है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में इसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी सिंध को बंबई से पृथक कर एक प्रांत बनाया जाए उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है यानी कंसीडर द कॉन्टेक्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा इन दिस वाज द साइड ऑफ द द इंडिया इंडिया बी गिवन स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ कोलोनियल सेल्फ रिल्यू सेल्फ रूल और सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे एंड मेड द प्रोविंस विच ऑफ द स्टेटमेंट यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों राइट right या करेक्ट है एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दे बच्चों सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें सभी लोग एक बार बच्चों सेशन को शेयर करें जल्दी से अब देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या करा करा इसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट बच्चों आपकी कंप्लीट की गई कब 1928 आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने बच्चों ये दावा किया था कि आप ही कोई ऐसा प्रावधान बनाकर दीजिए जिस पे सर्वदलीय सहमति हो यानी उस समय भी भारत में विभिन्न दल थे ठीक है तो ब्रिटिश सरकार ने एक दावा किया भारतीयों से कि आप ही कोई ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिस पे आपके सभी दलों की क्या हो आपसी सहमति हो और ये एक बहुत बड़ा बच्चों क्या था चैलेंज था ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को भारतीयों ने क्या किया एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को भारतीयों ने एक्सेप्ट किया और कहा जाता कि उनतीस दलीय सम्मेलन बुलाया गया दलीय सम्मेलन बुलाया गया ठीक और उनतीस दलीय सम्मेलन जो बुलाया गया बच्चों ये पहला सम्मेलन इसका कलकत्ता में और दूसरा सम्मेलन इसका कहां पे हुआ दिल्ली में हुआ ठीक है दिल्ली में हुआ जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया और इसमें नौ सदस्यीय नौ नौ सदस्यीय बच्चों एक नेहरू की अध्यक्षता में यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और इसी कमेटी के द्वारा बच्चों ये रिपोर्ट क्या की गई थी तैयार की गई थी यह रिपोर्ट जो है इसी कमेटी के द्वारा क्या की गई तैयार की गई और इस रिपोर्ट में पूरी तरह से यह कहा गया था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट का क्या दिया जाना चाहिए दर्जा दिया जाना चाहिए और जब यहां पर इस रिपोर्ट में जब डोमिनियन स्टेट की बात बच्चों की गई थी तो डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर कहा जाता है कि डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर आपके दो लोगों ने एक पंडित नेहरू जो आपके मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे बच्चों और आपके सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने क्या किया अपोज किया था सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू दोनों ने इसका बच्चों क्या किया विरोध किया और दोनों के विरोध करने का उद्देश्य यह था क्योंकि इन दोनों का कहना था कि हमें क्या चाहिए पूर्ण स्वराज्य चाहिए इन दोनों का मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमें डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा नहीं चाहिए ठीक है लेकिन कहते हैं कि जब दोनों ने विरोध किया तो गांधी ने इन दोनों लोगों को शांत कराया और यह कहा कि भाई एक साल आप रुक जाइए एक साल बाद अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमें नहीं दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा तो हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे और हम सीधे अगला जो हमारा प्रपोजल होगा वो किसका होगा पूर्ण स्वराज का होगा और आप देखिएगा हालांकि नेहरू रिपोर्ट बच्चों जो लाई गई जो नेहरू रिपोर्ट लाई गई यह सर्वसम्मति से पारित तो नहीं हो पाई लेकिन इसमें पहला स्टेटमेंट इस अपनी जगह पर एकदम सही है कि इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की डिमांड बच्चों की गई थी इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की डिमांड की गई थी लेकिन यह रिपोर्ट पूरी तरह से सर्वदलीय सहमत से पारित नहीं हो पाई और आप देखिएगा पूर्ण स्वराज्य का दर्जा मात्र एक साल बाद यानी 1929 में बच्चों जो आपका लाहौर सेशन होता है जो आपका लाहौर सेशन हुआ लाहौर अधिवेशन जो होता है इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की डिमांड बच्चों ब्रिटिश सरकार ने किया जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन पंडित नेहरू जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था बच्चों और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में यहां पर पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई डिमांड की गई ठीक तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है दूसरा कह रहा है कि सिंध को बंबई से पृथक कर एक प्रांत बनाया जाए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है सिंध को बंबई से अलग करके बच्चों एक अलग प्रांत बनाया जाना था तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट आपके राइट ठीक आपके इसी नेहरू रिपोर्ट बच्चों इसी नेहरू रिपोर्ट में ठीक है इसी नेहरू रिपोर्ट में जो है आपके मताधिकार की बात की गई थी भाषा के आधार पर गठन के राज्यों गठन की बात की गई थी ठीक है ये सारे राइट बच्चों आपके मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए थे आपके मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ सरदार पटेल की अध्यक्षता में इसमें से बहुत सारी बातें बच्चों आपके वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखी गई हैं हाँ रावी नदी के किनारे हुआ था आनंद जी रावी नदी के किनारे हुआ था अगला है देखिए मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में विचार करना है अब ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर का है ये क्वेश्चन बच्चों आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ठीक है करा कि इस शैली के विषय में मुख्यतः इस शैली के विषय जो थे वो क्या थे धार्मिक थे रिलीजियस थे दूसरा कह रहा है इनमें चटक रंगों का उपयोग किया जाता था जिसमें गहरा लाल हरा नीला और काले रंग का प्रयोग होता था सीता देवी और चंद्रकला देवी इस चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार थे अब आपको कह रहा है कि भाई कंसीडर करना है कंसिडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग तो मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में आपको बच्चों यहां कंसिडर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है ठीक है दो और तीन सही है एक और दो सही है एक और दो तीन तीनों आपका नन ऑफ दिन इनमें से क्या आपका राइट होना चाहिए बोलिए गीत एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग सेशन को शेयर करिए एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें. देखिए कहते हैं कि बच्चों आपको पता है कि भाई कह रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या है धार्मिक है और आपने देखा होगा कि इसमें जो है, जो, जो पेंटिंग बनाई जाती है वो सूर्य की बनाई जाती है वो चंद्रमा की बनाई जाती है वो आपके तुलसी के पौधे की बनाई जाती है तुलसी का पौधा ठीक है और आप जानते हैं कि भाई आज भी हम तुलसी के पौधे की क्या करते हैं पूजा करते हैं आज भी तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है तो सूर्य चंद्रमा और तुलसी का पौधे के यहाँ पे पेंटिंग बनाए जाते हैं यानी इनके चित्र बनाए जाते हैं तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया राइट हो गया दूसरे में कह रहा है कि भाई चटक रंगों का उपयोग किया जाता है हालांकि ये रंग नेचुरल होते हैं ये रासायनिक रंग नहीं होते हैं बच्चों लेकिन हाँ ये सही है कि यहाँ पे गहरे लाल रंग हरा और नीला और काले रंग जिन रंगों का उल्लेख यहाँ पे किया गया बच्चों ये वास्तव में चटक रंगों की कैटेगरी में आते हैं ये आपके गाढ़े रंगों की कैटेगरी में आते हैं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है सीता देवी और चंद्रकला देवी बच्चों ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह पे सही है अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यह जो कला है ये आपके वर्तमान बिहार के मिथिला हो गया बच्चों ठीक है आपका दरभंगा हो गया दरभंगा हो गया ठीक इसके साथ साथ आपका जो तराई क्षेत्र है जो नेपाल का तराई क्षेत्र है उन नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह कला जो है क्या है प्रचलित है नेपाल के तराई क्षेत्र में बच्चों यह कला क्या है प्रचलित है तो ये इसका क्षेत्र है जहां पर आज की डेट में यह मधुबनी कला बच्चों ये मधुबनी पेंटिंग से आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं मधुबनी पेंटिंग से आपके बच्चों मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्री में भी आपके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है करा कि द बुक द बुक धम पादा एज द गीता ऑफ द बुद्धिस्ट द रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग यानी करा कि बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्म पद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है भाई विनय पिटक शुक्त पिटक अभिदंब पिटक और नयाधम्ब तो इसमें से किससे रिलेटेड है इसमें से किससे रिलेटेड है बच्चों एक बार को सेशन को शेयर करते रहे सेशन को शेयर करते रहे सभी लोग सेशन को शेयर करते रहे अब देखिए यहां पर अगर आपको ये क्लियर है कि भाई कौन सा जो ग्रंथ है आपको पता है ये तीन जो है इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं त्रिपिटक इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं बच्चों त्रिपिटक कहते हैं अब ये त्रिपिटक के अंतर्गत ये तीनों आते हैं ये बौद्ध धर्म के क्या है त्रिपिटक है जो निर्माण है का निर्माण किसके द्वारा किया गया उपाली के द्वारा भाई इसका निर्माण किसने किया उपाली ने किया ठीक और इसमें संघ के नियमों का संग्रह यानी बौद्ध संघ के नियमों का बच्चों इसमें क्या है संग्रह बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह किया गया है आपके विनय पिटक में सुक्त पिटक जो है ध्यान दीजिएगा सुक्त पिटक का निर्माण जो है यह आपके सुक्त पिटक का जो निर्माण है यह आनंद के द्वारा किया गया यह किसके द्वारा किया गया बच्चों आनंद के द्वारा आनंद के द्वारा किया गया आनंद जो है बुद्ध का क्या था प्रिय शिष्य था और इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह बुद्ध के उपदेश का संग्रह इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है बाकी आपका जो थर्ड है अभिधम्ब पिटक तो यह अभिधम्ब पिटक जो है आपकी थर्ड बौद्ध संगीति जो थी थर्ड जो बौद्ध संगीति थी बच्चों कहते हैं कि थर्ड बौद्ध संगीति में इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा मोगली पुत्रष के द्वारा मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा मोगली पुत्र और यह थर्ड बौद्ध संगीति आपके किसके समय की गई थी अशोक के समय की गई यह संगीति किसके समय हुई अशोक के टाइम पीरियड में होती है और यहां पे आपको पता है कि इसमें जो है आपके बौद्ध दर्शन का उल्लेख है इसमें किसका उल्लेख है बौद्ध दर्शन ठीक है बौद्ध दर्शन का उल्लेख आता है अब यहां पे जो पूछा है वो क्या पूछा है बौद्धों की गीता बौद्धों की गीता आप किसे कहेंगे बौद्धों की गीता को कहते हैं, यानी बुद्ध के उपदेशों को और वो संग्रहित है किसमें आपके सुक्त पिटक में वो किसमें आएंगे बच्चों आपके सुक्त पिटक में आएंगे ठीक तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा यानी जो आपका सुक्ता पिटका है ये आपका राइट आंसर होगा विनय पिटका या सुक्त पिटका ये इनमें से दोनों आपके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये ध्यान रखिएगा तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा शुक्त पीटक आपका राइट आंसर होगा ठीक है शुक्त पीटक बच्चों आपका राइट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए अभी आपकी जो बैचेज हैं बच्चों वो स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है बैचेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और आपकी जो फाउंडेशन बैच है वो फाउंडेशन बैच अभी आप उसके विषय में अभी बताऊंगा बच्चों आपको डिटेल में ठीक है उसमें क्या चीजें हैं फाउंडेशन बैच के चलिए अगला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बच्चों पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हैदराबाद तथा जूनागढ़ का भारत में विलय जन्म संग्रह के आधार पर किया गया था क्या लगता है आपको कि भाई जन्म संग्रह के आधार पर हुआ था दूसरा कश्मीर का विलय भारत में विलय अधिनियम पत्र के द्वारा किया गया विलय अधिनियम पत्र के द्वारा कश्मीर का विलय हुआ नागालैंड और मिजोरम दोनों का स्वतंत्रता के पश्चात सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया नागालैंड और मिजोरम तो यहां पे कह रहा है कि राइट आंसर का चुनाव करना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट आपको यहां पे राइट स्टेटमेंट लग रहा है ठीक है हैदराबाद है एंड जूनागढ़ वेयर मर्ज इन, इन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ प्लेबिसाइट ठीक कश्मीर वाज मस्ड इन इंडिया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक्ट ठीक अन कह रहा बोथ नागालैंड एंड मिजोरम वेयर मस्ड इन टू इन टू इंडिया थ्रू मिलिट्री एक्शन ठीक है तो आपको क्या लगता है तीनों स्टेटमेंट में से आपको राइट स्टेटमेंट का चुनाव करना बच्चों इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा कौन सा आपका इसमें सही आंसर होगा भाई देखो बच्चों आपको पता है कि भाई नागालैंड भारतीय संघ का अंग पहले से था इसे किससे अलग किया गया था असम से इसे अलग किया गया था इसे किससे अलग किया गया असम से अलग किया गया था तो यहां पे आपको क्या लगता है भाई इसे कह रहा है कि नागालैंड तथा मिजोरम दोनों का स्वतंत्रता के पश्चात सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय किया गया और इसमें पूछ क्या रहा है पूछ रहा है इसमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए राइट स्टेटमेंट का आपको यहां पे चुनाव करना है ठीक है राइट स्टेटमेंट का चुनाव करना बोलिए क्या आपका राइट स्टेटमेंट होगा बच्चों यहां पे? क्या आपका राइट स्टेटमेंट होगा भाई तीन नंबर तो ऑटोमेटिक गलत है कम से कम इतना तो आपको क्लियर है कि नागालैंड और मिजोरम को कभी भी जो है सेना कार्रवाई के द्वारा बच्चों विलय नहीं किया गया था ये तो पहले से असम के पार्ट थे तो तीन आपका अगर गलत हो रहा है तो तीन आपका ये पूरी तरह से रांग है हैदराबाद और जूनागढ़ में बच्चों जैनमत कार्रवाई नहीं हुई यहां पर क्या किया गया था सैन्य कार्रवाई की गई थी यहां पर सैन्य कार्रवाई हुई क्योंकि जूना हैदराबाद का जो नवाब निजाम था बच्चों वो पाकिस्तान में विलय चाहता था और सरदार पटेल जिन्हें आज भारत का स्मार बिस्मार कहा जाता है उन्होंने सैन्य कार्रवाई के द्वारा बच्चों क्या किया था इनका विलय किया था यहां जन्म संग्रह नहीं हुआ था ध्यान रखिएगा यहां पर जन्म संग्रह का प्रावधान नहीं था बच्चों तो यह स्टेटमेंट भी आपका राइट नहीं है यह भी आपका गलत है हां कश्मीर का विलय जो है बच्चों वो वो क्या किया गया था कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह भाग के आए थे पंडित नेहरू के पास मदद मांगने के लिए जब पाकिस्तान के कबायलियों ने बच्चों अटैक किया तो पाकिस्तान के कबालियों के अटैक करने पर पंडित नेहरू को मजबूर होकर भारत की शरण में आना पड़ा और जब ये भारत की शरण में आए तो पंडित नेहरू ने कहा कि भाई आप जो है पहले ये हस्ताक्षरित करिए पहले आप सिग्नेचर करिए विलय पर यानी विलय अधिनियम पर पहले आप क्या करिए हस्ताक्षर करिए तब जाके हम आपको समर्थन या मदद आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है पहले सिंह ने क्या किया इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था तब जाके भारत सरकार की तरफ से बच्चों उनको क्या किया गया सपोर्ट किया गया समर्थन दिया गया और आपको पता है कि जितने क्षेत्रों पर कबायलियों ने कब्जा किया था उससे अधिकतम अधिक तो, क्षेत्रों अधिक पर बच्चों भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था लेकिन भारत का जो चरित्र है बच्चों वो बेहद उदार है और पंडित नेहरू की ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी भूल भारत देश की रही बच्चों कि पंडित नेहरू ने इस विषय को सुरक्षा परिषद में कहीं न कहीं ले जाकर बच्चों एक बहुत बड़ी गलती किया था क्योंकि अगर यहां भी ये यह मामला जो है आपके सरदार पटेल के पास बच्चों थोड़ा सा भी मौका मिला होता तो सरदार पटेल आज कश्मीर के इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा चुके होते और आज कश्मीर जो एक विवाद का विषय बना हुआ है वो कभी विवाद का विषय नहीं बनता ठीक है जो पीओके है या जो अक्साई चीन की बात आती है वो सब आज किसका होता हिंदुस्तान का होता ठीक है ये पंडित नेहरू की एक बच्चों बड़ी भूल थी जिसकी वजह से आज भी कश्मीर एक विवाद का मुद्दा या कश्मीर आपका डिस्प्यूट बच्चों बना हुआ है तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा कश्मीर वाज मस्ड इन इंडिया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अशेषन एक्ट ठीक है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अशेसन एक्ट ठीक तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेशन को और शेयर करिए अब बात आती है फिर से आर्ट एंड कल्चर की फिर से आर्ट एंड कल्चर की बच्चों और आपको पता है कि आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें कितने नृत्य आते हैं जो आपके कल्चरल नृत्य हैं उसमें टोटल आठ हैं बच्चों जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उन शास्त्रीय नृत्यों में उनकी संख्या कितनी है आठ है उनमें से एक आपका बच्चों सत्रिया भी है उनमें से एक आपका सत्रिया भी है और सत्रिया नृत्य जो है बच्चों ये आपका 2000 में यानी 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा बच्चों दिया गया था इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया ठीक है इसे 2000 में क्या किया गया शास्त्रीय नृत्य का बच्चों दर्जा दिया गया ठीक तो यहां पे जो स्टेटमेंट दे रहा वो क्या है ठीक है कह रहा इट इज द फेमस डांस ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम क्या यह सिक्किम का फेमस डांस है बच्चों जल्दी से बोलो क्या यह सिक्किम का फेमस डांस है नहीं सिक्किम का ये नहीं है बच्चों ये कहां का है तो यह है आपके असम का ये कहां का है यह असम का फेमस डांस है तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है दूसरा कह रहा है इसमें ढोल ताल और बांसुरी का यूज किया जाता है ढोल ताल और बांसुरी का यूज किया जाता बच्चों है बच्चों बोलिए क्या यह सही है कि भाई इसमें ढोल ताल और बांसुरी का उपयोग किया जाता है आनंद सिंह साधना गौतम विजय राव वेलकम है बेटा जल्दी बताएं कि क्या इसमें जो है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं क्या उसमें ढोल ताल और बांसुरी है क्या उसमें ढोल ताल और बांसुरी है बच्चों <स्थलागा> देखिए जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट बच्चों अपनी जगह पे राइट है इसमें जो हमारे वाद्य यंत्र है उसमें ढोल ताल और बांसुरी का यूज किया जाता है और इसे असम क्षेत्र में बच्चों पॉपुलर करने का योगदान किसका है तो इसे असम क्षेत्र में पॉपुलर करने का योगदान शंकर देव का है इसे वहां पे पॉपुलराइज किसने किया शंकर देव ने बच्चों किया ठीक है इसे वहां पर पॉपुलराइज किसने किया शंकर देव ने इसमें ढोल ताल और बांसुरी का प्रयोग किया गया और इसे शंकर देव द्वारा बच्चों इन क्षेत्रों में ले जाया गया इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है अब आप बताइए कि क्या संगीत नाटक अकादमी बच्चों इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है बोलिए जल्दी करिए भई पंद्रह नवंबर दो हजार को पंद्रह नवंबर दो हजार को बच्चों ध्यान दीजिएगा फिफ्टीन नवंबर टू थाउजेंड को फिफ्टीन नवंबर टू थाउजेंड को इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया ये राइट है अगर राइट है तो इसका मतलब हुआ टू एंड थ्री आपके बच्चों क्या हो जाएंगे इसमें सही हो जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा यहां पे बी आंसर आपका बच्चों राइट होगा ठीक है बी आंसर आपका राइट होगा बाकी आप जान जानने इसके अतिरिक्त तो जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों उसमें जैसे मोहिनी अट्टम हो गया ठीक है भरतनाट्यम हो गया कुचिपुड़ी हो गया ठीक ये आपके जो आपका ओडशी हो गया कथकली हो गया कत्थक हो गया ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं जिनकी टोटल संख्या कितनी है आठ है जिनकी टोटल संख्या बच्चों कितनी है आठ है ठीक अगर उनका नाम आपको देखना तो आप देख सकते हैं एक आपका बच्चों कत्थक हो गया जो उत्तर भारत में है ठीक है दूसरा आपका जो है मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम हो गया ठीक है आपका तीसरा ओड़िशी हो गया तीसरा आपका ओडिशी है चौथा आपका जो है मणिपुरी है मणिपुरी है पांचवा आपका बच्चों भरतनाट्यम है भरतनाट्यम हो गया और सिक्स आपका जो है सिक्स आपका बच्चों हो गया सिक्स आपका हो गया कथकली कथकली ठीक कथकली हो गया कथक मोहिनीअट्टम ओडसी मणिपुरी भरतनाट्यम कथकली और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी तो ये आपके बच्चों हो गए, एक आपका हो गया सत्रिया तो, तो, तो टोटल संख्या इनकी कितनी है आठ टोटल संख्या बच्चों इनकी कितनी है आठ इनकी जो है वो टोटल संख्या है ठीक है आठ इनकी जो है वो क्या है टोटल संख्या है अगला देखिए नेक्स्ट जैन धर्म के बारह अंग में से जैन धर्म के बारह अंग में से किस अंग से जैनेतर मतों का खंडन जैनेतर मत दट मीन्स कह रहा है इन विश ऑफ द ट्वेल्व पार्ट्स ऑफ जैनिज्म नन जैनिज नन जैन, जैन बिलीव्स हैव बीन हैव बीन डिनाइड यानी जो जैनेतर मत है यानी जैन मत से इतर जैन मत से इतर यानी उससे अलग जो मत हैं उन मतों का खंडन किसमें किया गया है समवायंग सूत्र विवाग सुअ सुयग दंग सूत्र या अंतगण दशाओं किसमें किया गया है बच्चों जल्दी बताना किसमें किया गया है किसमें किया गया बोलिए देखिए एक एक को अगर आप देखेंगे तो जो आपका समवायंग सूत्र है इसमें जैन धर्म से संबंधित उपदेश है इसमें क्या है जैन धर्म संबंधी उपदेश यानी जैन धर्म से रिलेटेड स्पीच दी गई है जैन धर्म से संबंधित इसमें क्या है उपदेश है ठीक है तो इसका मतलब भाई एक तो आपका क्या है निकल गया वो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो है वो जैन धर्म से संबंधित बच्चों क्या दिए गए उपयोग उपदेश दिए गए अब जो आपका दूसरा है यानी विवाह सुयग विवाह क्या है इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल दिया गया है इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल अच्छे बुरे कर्मों का फल दिया गया है यानी इसमें कहा गया है कि भाई जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा तो आपको पता है भाई जैन धर्म जो है वो कर्मफल में विश्वास करता है और इसी कर्म फल के कारण ही वो कहता है कि आपका जो इस जगत में जो आवागमन है बार-बार जो जन्म लेने की प्रवृत्ति है वह जन्म लेने की प्रवृत्ति किसकी वजह से है तो वह जन्म लेने की प्रवृत्ति कर्मफल की वजह से है बच्चों वह जन्म लेने की प्रवृत्ति किस वजह से है तो वह कर्मफल की वजह से है जिसकी वजह से आप बार बार क्या करते हैं इस जगत में आप जन्म लेते हैं ठीक है और इससे मुक्त होने का जो आधार जैन धर्म में बताया गया वो यही बताया गया है कि भाई कर्म फलों को नष्ट कर दो जो कर्म फल है, कर्म तीन प्रकार के हैं संचय कर्म संचय और प्रारब्ध कर्म ये जो तीन कर्म हैं इन तीनों कर्मों को क्या करो नष्ट कर दो जब कर्म फल समाप्त हो जाएंगे तो इस जगत में जो आवागमन का जो चक्र है वह आवागमन का चक्र भी आपके जीवन से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी ठीक है तो आपका बचा बच्चों दो अब आपका यह गलत हो गया यह गलत हो गया यानी विवाह सुयग में क्या दिया है अच्छे बुरे कर्मों का फल चलिए अब आपको फिफ्टी फिफ्टी में से चुनाव करना है कि इसमें से क्या राइट हो सकता है भाई 50 -50 में से चुनाव करना इसमें से आपका क्या राइट हो सकता है बोलिए जल्दी करिए भाई अब तो दो बचा है चलिए यह भी क्लियर कर देते हैं इसमें जो अंतगढ़ दशा बच्चों इसमें मृत्यु संबंधी चर्चाएं की गई हैं इसमें किससे संबंधित चर्चा है मृत्यु संबंधी चर्चाएं हैं तो इसका मतलब बचा आपका क्या एक यानी शुएग दंत सूत्र इसी में जैनेतर मतों का बच्चों क्या किया गया है खंडन किया गया है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अब आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा ठीक चलिए अगली तरफ आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मौर्य काल में कौष्ठय क्या है कह रहा है कि वॉट वॉज द कौष इन द मौर्य पीरियड वॉज द कौष्टयक इन द मौर्य पीरियड ठीक क्या कह रहा है विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला टैक्स पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर और सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर तो इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए हाँ ये टॉपिक वाइज चलती है ठीक है लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके इतिहास के टॉपिक जो आपके चर्चा में रहे हैं पिछले एक साल में ठीक है उनको हम यहां पे कराने की कोशिश कर रहे हैं बाकी जो रेगुलर बेसिस आपकी ये क्लास होती है वो टॉपिक वाइज होती है ठीक है और आज का जो टॉपिक है वो साइमन कमीशन उसकी चर्चा भी लास्ट में कर देंगे ठीक है हाँ टॉपिक वाइज ही चलेगी ठीक है अगर आज का टॉपिक छूटता है किसी कारण बस तो वो आपको कल मैं डिस्कस कर दूंगा बच्चों पूरा टॉपिक वाइज ही क्लास रहेगी तो उसके लिए एकदम परेशान मत होइएगा ठीक है एकदम परेशान मत होइएगा बोलिए क्या इसका राइट आंसर होगा बच्चों अब देखिए तो यहां पे कह रहा है कि भाई विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट तो विशेष अवसर पर राजा को जो भेंट दी जाती थी उसे क्या कहते थे उसे कहते थे औपायनिक उसे क्या कहा जाता था बच्चों औपायनिक कहते थे तो यानी ऐसा टैक्स ये भी एक प्रकार का बच्चों क्या था टैक्स था यानी राजा को विशेष अवसरों पर ठीक है विशेष अवसरों पर जो लोगों द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसे कहते थे औपानविक ठीक है दूसरा कह रहा है कि अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला टैक्स क्या होता था अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला टैक्स बच्चों क्या कौष्ठ था नहीं वह टैक्स होता था बच्चों पार्श्व यानी जब व्यापारियों को ज्यादा बेनिफिट होता था तो उनके जो बेनिफिट वाला हिस्सा था उस पर एक टैक्स सरकार लेती थी जैसे आज की डेट में बच्चों आपके टैक्सेस होते ना वैसे ही उस समय की सरकार भी जब व्यापारियों को ज्यादा लाभ हो जाता था तो उसपे एक नया टैक्स लगाती थी वो था पार्श्व पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला जो टैक्स होता था क्या वो है कौष्ट नहीं पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला जो टैक्स होता था उसे विविध कहते थे उस टैक्स को बच्चों विविध कहा जाता था ठीक तो ये भी आपका रंग हो गया आप तो बचा एक ही यानी सरकारी जलाशयों के नीचे की जो भूमि होती थी उस पर लगाया जाने वाला टैक्स है टैक्स लेव्ड ऑन लैंड विलो गवर्नमेंट रिजर्व्स ठीक है तो ये वो टैक्स होता था जो आपके सरकारी जलाशय होते थे ठीक है उस भूमि पर लगाया जाने वाला बच्चों टैक्स था जिसको हम क्या कहते हैं कौष्ठय कहते हैं जिसको क्या कहा जाता है बच्चों कौष्ठय कहा जाता है ठीक है यानी आपका डी आंसर इसमें राइट होगा डी आपका राइट आंसर होगा अगला देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए विजयनगर साम्राज्य से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए विजयनगर साम्राज्य से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए ठीक पहला क्या दे रहा विवाह कर वर पक्ष से लिया जाता था तथा विधवा से विवाह करने वाले इस कर से क्या थे मुक्त थे ठीक है अब ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है इसको जरा सा करने की कोशिश करिए इसका क्या राइट आंसर होगा कर नायक को अमरम प्रदान किया जाता था ये नायक क्या थे बच्चों ये नायक थे भूसामंत ये नायक जो है भू सामंत तो होते थे या इनको भूपति भी कह सकते यानी जिनके पास अधिकतम लैंड हुआ करती थी जिनके पास मैक्सिमम बच्चों लैंड होती थी उनको भूपति कहते थे ठीक है उनको क्या कहा जाता था भूपति कहा जाता था अब यहाँ पे तीसरा देरा भू राजस्व की दर कुल उपज का वन फोर्थ था ठीक है तो वन फोर्थ जो है टोटल प्रोडक्शन का लिया जाता था ठीक अब इसमें से कह रहा है कि राइट स्टेटमेंट का चुनाव करना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिलेटेड टू विजयनगरा एंपायर पहला कह रहा है मैरियज टैक्स वाज टेकन फ्रॉम द टेकन फ्रॉम द ग्रूम साइड एंड अ बोथ हू मैरिड अंडो वी आर फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम दिस टैक्स दूसरा दे रहा है कि दी, दी हीरो गिवन अमरन, रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज वन फोर्थ ऑफ द टोटल प्रोडक्श प्रोड्यूस यानी जितना प्रोडक्शन होता था उसे आपका एक बटे चार्ज जो है वो टैक्स के रूप में बच्चों ले लिया जाता था तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या राइट आंसर होना चाहिए अब आपको यह पता है कि जो विवाह कर है बच्चों विवाह कर जो है विजयनगर साम्राज्य में दोनों पक्षों से लिया जाता था यानी यह स्टेटमेंट आपका यहां तक का जो स्टेटमेंट है यह गलत हो रहा है यह आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो रहा है क्योंकि यहां पर वर पक्ष और वर पक्ष और आपका वधु पक्ष बच्चों वर और वधु पक्ष दोनों से यह टैक्स लिया जाता था तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा विधवा से कर नहीं लिया जाता था विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे तो वो लास्ट लाइन तो आपकी सही है ठीक है लास्ट लाइन बच्चों आपकी राइट है तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है दूसरा स्टेटमेंट आपका ये सही है नायक को जो भूमि अब आपको ये अमरम कैसी भूमि होती थी ये क्या है ये वेतन के बदले दी गई भूमि है वेतन के बदले वेतन के बदले दी गई भूमि वेतन के बदले दी गई भूमि होती थी ठीक है तो ये वेतन के बदले बच्चों दी गई लैंड है दी गई भूमि है अगला थ्री क्या है भू राजस्व की दर कुल उपज का एक बटे चार होती थी तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे ये भी आपका राइट है और ये भी आपका बच्चों राइट है यानी इसमें राइट आंसर क्या होगा तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा यानी बी बी आंसर बच्चों बी आंसर आपका देखिए एक सेकंड करा भू राजस्व की कुल दर का भू राजस्व की दर कुल उपज का एक बटे चार भाग थे तो भू राजस्व की दर कुल उपज का बच्चों कितना थे एक बटे चार ही है एक बटे चार ही है तो आपका ये दोनों राइट होना चाहिए यानी आपका डी आंसर यहां पे राइट होना चाहिए ठीक है डी आंसर आपका राइट होना चाहिए अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बच्चों आपके लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन से क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी देखिए कह रहा है कि झांसी आखिरी रियासत थी जिसे डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का उपयोग करके कब्जा किया तो ये तो गलत हो जाएगा भाई आखिरी रियासत झांसी नहीं थी बच्चों झांसी के बाद भी कई रियासतों का इस रूल के तहत बच्चों क्या किया गया था विलय किया गया था भाई झांसी का विलय तो 1853 में हुआ भाई झांसी का विलय कब हुआ 1853 में लेकिन आपके 1854 में आपका बच्चों नागपुर आता है ठीक है 1856 में आपका अवध का विलय होता है तो ये पहले कैसे हो गया भाई ये पहले कैसे हो गया तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा रंग स्टेटमेंट हो जाएगा पहला स्टेटमेंट बच्चों क्या होगा गलत हो जाएगा भाई आपको पता है सबसे पहला विलय बच्चों किसका किया गया सतारा का 1848 में सबसे पहला जो विलय हुआ डॉक्टर ऑफ लैब्स के तहत वह होता है किसका सतारा का सबसे पहला विलय किसका हुआ बच्चों सतारा का विलय होता है सबसे पहला जो विलय किया गया वो सतारा का किया गया ठीक फिर उसके बाद है जैतपुर हो गया संभल हो गया ठीक जैतपुर संभल का किया गया बघाट का किया गया ठीक तो जैतपुर संभल बघाट ये सब बच्चों आपके सतारा के बाद है जैतपुर है संभल है ठीक है बघाट है ये सब जो है इसके बाद विलय किए गए जयपुर संभल बघाट इनका विलय बच्चों आपके सतारा के बाद किया गया तो यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है डॉक्टर ऑफ लैब्स को किसने लाया ला डलहौजी ने लाया बच्चों इसने कहा कि नहीं भाई जिसके पास जो है उत्तराधिकारी नहीं है वह राज्यों को तीन भागों में क्या करता है डिवाइड करता है और कहता है कि ऐसे राज्य जिनके अपने उत्तराधिकारी नहीं हैं वह बिना हमारी अनुमति के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सकते हैं ठीक दूसरा उसने कहा कि भाई जिसके पास अपना खुद का कोई संतान नहीं है कोई पुत्र नहीं है ठीक है उसे गोद लेने की अनुमति नहीं दिया झांसी और लखनऊ उसी के अंतर्गत बच्चों आते हैं ठीक है झांसी की रानी ने क्या किया था दत्तक पुत्र लिया था बच्चों इन्होंने भाई संभलपुर उन्नीस में है बच्चों ना ये संभल संभलपुर कहते हैं इसको ये 1849 में है और इसी के साथ याद रखना आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है बुंदेलखंड उसका भी विलय इसी समय किया गया था आपके उड़ीसा का क्षेत्र है बच्चों उसका विलय भी 1849 में आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत ही किया गया था ठीक है फिर इसके बाद बघाट का नंबर आता है एट्टीन में बघाट उसके बाद 1853 में झांसी 1854 में बच्चों आपका जो है ये नागपुर है और 1856 में आपका अवध है ठीक है तो सबसे पहला जो स्टेट था वो था 42 नहीं है भाई आनंद सिंह 42 नहीं बेटा ये 48 है सबसे पहला जो विलय हुआ वो 48 में होता है और किसका होता है वो सतारा का हुआ था सतारा का विलय सबसे पहले हुआ था सतारा का विलय सबसे पहले होता सब सब है ठीक है सतारा का इसमें सबसे पहले होता है दूसरा करा भारतीय राष्ट्रीय सेना की पहली महिला इकाई का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बच्चों रखा गया भारतीय राष्ट्रीय सेना की झांसी की रियासत वर्तमान बिहार राज्य में है ठीक है उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो भाई आपको पता बच्चों कि ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि झांसी जो है वो बिहार के अंतर्गत नहीं था बच्चों बिहार रियासत के अंतर्गत आपका झांसी शामिल नहीं था तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें बोलिए जल्दी करिए ठीक है तो इसमें आपका बी आंसर बच्चों राइट होगा यानी ए आपका राइट होगा यानी केवल दो आपका सही है भारतीय राष्ट्रीय सेना की पहली इकाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बच्चों क्या की गई थी गठित की गई थी और रानी लक्ष्मीबाई बच्चों आपके वाराणसी की थी ठीक है अगला है महेंद्र वर्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ठीक है विथ रिफरेंस ऑफ द महेंद्र वर्मना आ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है पहला स्टेटमेंट दे रहा महेंद्र वर्मन प्रथम ने सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य के निर्देशन में संगीत सीखा था यह स्टेटमेंट आपका सही है बच्चों यह राइट स्टेटमेंट है ठीक है यह आपका राइट स्टेटमेंट है महेंद्र वर्मन प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आडंबर युक्त मंदिरों के स्थान पर सीधी साधी आकर्षक मंडप वास्तुशैली प्रोत्साहित किया था तो क्या दोनों स्टेटमेंट आपके राइट है बच्चों या केवल एक केवल एक सही है दो सही है दोनों सही है और न तो एक न तो दो ठीक और ये आपको पता बच्चों कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए ये महेंद्र वर्मन आपके बच्चों पल्लव काल के राजा हैं ठीक है, है? पल्लव काल का शासक है पहला स्टेटमेंट महेंद्र वर्मन प्रथम ने सुप्रसिद्ध संगीतक के रुद्राचार के निर्देशन में संगीत सीखा तो ये तो आपका राइट स्टेटमेंट है महेंद्र वर्मन प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आडंबर युक्त मंदिरों के स्थान पर सीधी शादी आकर्षक शैली के मंडप वास्तु शैली से प्रोत्साहित मंदिरों का निर्माण किया अब आपको पता बच्चों कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसमें मंडप अर्धमंडप अर्धमंडप महामंडप इन चीजों की संकल्पना बच्चों आपको दिखाई देगी जबकि उत्तर भारत में आप देखेंगे तो आपको प्रदक्षिणा पथ की संकल्पना दिखाई देगी ठीक और अगर आप उड़ीसा में चले जाइए बच्चों तो उड़ीसा में आपको अलग शब्दावली दिखेगी जैसे जगमोहन ठीक है जैसे जगमोहन हो गया जैसे देउल हो गया ठीक है जैसे देउल हो गया और अगर उत्तर भारत में आप आएंगे तो उत्तर भारत में आपको यही शब्दावलियां अलग रूप में दिखेंगी जैसे गर्भगृह गर्भगृह क्या होता है गर्भगृह वह स्थान होता है जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति लगती है इसी को उड़ीसा में देउल कहा गया है इसी को उड़ीसा में देउल कहते हैं प्रदक्षिणा पथ प्रदक्षिणा पथ वह स्थान होता था जो गर्भगृह के चारों तरफ होता है जहां पे आप फेरा लगाते हैं जहां पे आप बच्चों फेरा लगाते उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं ठीक उसी को यहां पे जगमोहन कहा गया है यहाँ पे क्या है वो महामंडप जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में आप देखेंगे तो आपको जो है मंदिर जो जो मुख्य मंदिर का स्थान होता है यानी जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति होती है उसके ऊपर जो शिखर बनता है वो इस तरह से सबसे ऊंचा होगा फिर उसके आगे यहां भवन बनेगा इसका शिखर इससे कम होगा फिर इसके आगे जो बनेगा इसका शिखर इससे भी कम होगा और एकदम आगे जो बनेगा इसका शिखर इससे भी कम होगा तो ये एक तरह से ऐसे एक सीक्वेंस में आपको देखेगा ये गर्भगृह हो गया तो ये महामंडप ये अर्धमंडप ये मंडप इस तरह से बच्चों ये सीरीज में बनाए जाते हैं तो कह रहा है दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के मंदिरों में बच्चों क्या ये संकल्पना आपको दिखाई देती है बोलिए तो यहां पे बच्चों दोनों आपका राइट आंसर होगा दोनों आपका यहां पे राइट आंसर है ठीक है दोनों आपका राइट आंसर है अब एक चीज आपको और बता दे बच्चों कि आपको जो है कुछ जानकारी देना है जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए कल अगर आपने देखा होगा बच्चों तो कल आपके लिए जो है एक नए फाउंडेशन बैच का अनाउंसमेंट किया गया है और वो जो बैच है बच्चों उस बैच को आपको परचेज करना है उसे कैसे परचेज करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लीजिए भाई अगर आपको बैच से जुड़ना है ठीक है तो आप अड्डा टू फोर सेवन को सर्च करिए जब आप सर्च करेंगे अड्डा टू फोर सेवन तो आपको इस तरह से बच्चों आपको ऑनलाइन कोर्सेज ओपन होके आएंगे यहाँ पे आप जाएंगे आल कोर्सेज में आल कोर्सेज में आप गए आल कोर्सेज जब ओपन करेंगे तो आप अपने सेक्शन यानी यूपीएससी और पी अगर तैयारी कर रहे हैं आप यूपीएससी में गए यूपीएससी में जब आप जाएंगे तो मान लीजिए आपको आई की बैच को परचेज करना है तो आप यूपीएससी सी एस सी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बैचेज बच्चों दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आप हमारी सारी बैचेज को आप देख सकते हैं आप यू पी एस सी सी का महापैक ये अनाउंस हो चुका है यू पी एस सी सी एस का महापैक है ठीक है फिर आपकी फाउंडेशन बैच अनाउंस हो चुकी है जो प्री कम कम्बेंस की बैच है इनमें से जो भी बैचेज आपको परचेज करना है चाहे वो स्टेट कमीशन की हो या हमारे यू की बैचेज है बच्चों किसी भी बैच को आपको परचेज करना है आप आसानी से उस बैच को परचेज कर सकते हैं ठीक है आसानी से आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं चाहे और बैचेज जो है बच्चों वो बायलैंगल है ठीक है बैचेज हमारी बाई है किसी भी बैच को अगर आपको परचेज करना है ठीक है जैसे और इस समय आपकी डबल वैलिडिटी भी चल रही डबल वैलिडिटी चल रही बैच को पूरी तरह से आप देखिए ठीक है देखने के बाद आप इतने बड़े अमाउंट पर मत जाइए जब आप इसे बाई नाउ करेंगे बाई नाउ करने के बाद यहां पे आप अपना कोड अप्लाई करेंगे कोड अगर आपको बताना बच्चों कोड मेरा जो कोड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई मेरा जो कोड है वो क्या है ठीक है मेरा जो कोड है बच्चों वो कोड है आपका वाई सेवन थ्री वन वाई सेवन थ्री वन ये हमारा कोड है जिसका यूज आप कर सकते हैं ठीक है वाई सेवन थ्री वन ये हमारा कोड है बच्चों थ्री वन ये कोड यूज करके आप जो है सेवनटी फाइव से सेवनटी सेवन परसेंट तक का डिस्काउंट बच्चों ले सकते हैं किसी भी बैच से ठीक है तो जब आप यहां पे इसको अप्लाई करेंगे ठीक है जब आप यहां पे बच्चों अप्लाई करेंगे यानी यहां पे अप्लाई करेंगे जब आप जो है तो यहां पे अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहां पे जाना होगा ठीक आप वाई सेवन थ्री वन ठीक है जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो ये अमाउंट है वो बच्चों रिड्यूस हो जाएगा ठीक है और अभी जो आपकी जो बैच अनाउंस की गई है ठीक है उस बैच का ये अमाउंट जो है वो मैक्सिमम जो है वो एट थाउजेंड के आसपास आएगा बच्चों ठीक है ऐप से अगर आप परचेज करेंगे तो वो लगभग आठ हजार के आसपास आपको दिखाई देगा ठीक है सारी चीजें सारी चीजें उसमें बच्चों आपको दिखेंगी सारी चीजें आपके सारे पीडीएफ पीडीएफ के साथ साथ आपको हैंड रिटर्न नोट्स भी आपको सब्जेक्ट वाइज उसमें दिया जाएगा इसके साथ साथ संस्था की तरफ से जो बुक्स आपकी बनाई गई हैं वो बुक्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे तो यहां पे जाके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं ये कोड आपको बच्चों याद रखना है ठीक है ये कोड आपको याद रखिएगा ये कोड यूज करके आप बैच को ले सकते हैं ठीक है यानी वाई सेवन थ्री वन ठीक ये कोड आप यूज करके बैच को परचेज कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहा बच्चों वो करंट के क्वेश्चन थे इसलिए क्वेश्चंस थोड़ा कम थे और ये पीडीएफ आपको बच्चों टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी ठीक है लास्ट स्लाइड पे हमने इसके आंसर्स भी लगा दिए हैं ठीक है और कल आपकी क्लास एकदम टाइमली स्टार्ट होगी ठीक है आज थोड़ा सा बच्चों आपकी टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास डिले हो गई थी पंद्रह मिनट जिसकी वजह से आपकी संख्या पर भी फर्क पड़ा है ठीक है चलिए थैंक यू सभी को हमारी तरफ से थैंक यू